हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में प्राइस एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश और फाइनली ओके कैश को भी देखेंगे, क्योंकि दोस्तों ओके कैश और बिटकॉइन कैश को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट्स मिल रहे थे, तो लाइव चार्ट पर देखने वाले हैं दोस्तों। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, वीडियो को पूरा देखते रहिए। सबसे पहले चलते हैं कॉइन मार्केट की तरफ, उसके बाद लाइव हम चार्ट पर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। मार्केट जो है दोस्तों कल का बहुत ही बेरिश था, अभी लगभग बुलिश हो चुका है दोस्तों मार्केट। बिटकॉइन का भी ठीक ठाक है, इथेरियम का भी ठीक ठाक है, बिटकॉइन कैश को भी लाइव देखेंगे दोस्तों चार्ट पर, और सभी का ठीक ठाक है दोस्तों। लेट कॉइन का भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक जा चुका है दोस्तों। एक बार चलते हैं जो है हमारे अकाउंट की तरफ। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है दोस्तों, अगर इसके बारे में पता नहीं है तो नीचे लिंक मिल जाएगा, एक वीडियो भी है इसके ऊपर, वो देख लीजिए। यहाँ पर फ्री में अकाउंट बना सकते हैं, फ्री में किसी भी चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रेडर हैं उन्हें फॉलो कर सकते हैं, उनके चार्ट्स जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे चार्ट है, आप यहाँ पर आकर मेरे चार्ट भी देख सकते हैं। और मैंने जो है दोस्तों कल रात को ये चार्ट पब्लिश किया था BTC USDT के ऊपर, और दोस्तों आज सुबह दो चार्ट पब्लिश किए थे ओके कैश और BCC के ऊपर, क्योंकि ओके कैश और BCC को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट्स मिल रहे थे। अभी देखते हैं दोस्तों इनका चार्ट को, ठीक है। सबसे पहले BTC को देख लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जब ये 9000 था बिटकॉइन का रेट, तब मैंने चार्ट पब्लिश किया था, और आप सभी को कल बताया था दोस्तों 95 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, मार्केट इससे डाउन नहीं आ सकता। कल मैंने वीडियो में साफ साफ आपसे कहा था, अगर उससे डाउन आया तो 91 तक गिरेगा, इससे डाउन आने के कोई चांसेस नहीं है, मैंने कल आपको बताया था दोस्तों वीडियो में, ठीक है। बाद में मैंने एक ये बॉक्स बना दिया था दोस्तों, इस बॉक्स का मतलब क्या है, नीचे मैंने लिख दिया था ये बाइंग का है, जो भी 95 से नीचे ये बॉक्स में मार्केट आएगा, ये देखिए ये कैंडल ये बॉक्स में है, तो मैंने ये बाय के लिए कहा था, इसके अंदर आपको बाय करना है, ठीक है। तो नीचे मैंने बाय लिख दिया था, आई होप कि आपने बाय कर लिया होगा दोस्तों। मैंने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो वीडियो में इसलिए दिए थे ताकि ज़्यादा लोग घबराए नहीं, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि 6000 तक गिर जाएगा, 7000 तक गिर जाएगा, लेकिन मैंने आप सभी से कहा था 95 उससे जो नीचे गिर सकता है वो गिर सकता है, 91 उससे नीचे नहीं गिरेगा, मैंने आप सभी से कहा था, और 95 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा ये भी कहा था दोस्तों, ठीक है। एक बार चलते हैं दोस्तों लाइव चार्ट पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लाइव खोल के रखा हुआ है दोस्तों, ये अभी भी सपोर्ट है, बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है दोस्तों 95 का। अभी मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश हो चुका है, अब मुझे जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं दोस्तों अब मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को बताया, स्टोकास्टिक कभी भी ओवरसोल्ड जोन में नहीं रहता है दोस्तों, या ओवरसोल्ड जोन में तो ओवरबॉट जोन में जाना ही जाना है, ओवरबॉट जोन में तो ओवरसोल्ड जोन में आना है ना। अगर हमारी स्टोकास्टिक वीडियो देखी है तो आपको पता होगा दोस्तों, स्टोकास्टिक जो ओसिलेटर है ये ओसिलेट होते हैं। और दूसरी दोस्तों यहां पर देखिए, अब मैं यहां पर एक एरो दे देता हूं ताकि आपको परफेक्ट पता चले, और मैं ये एरो दोस्तों ये ऐसा जाएगा, ठीक है, इसको ऐसा जाना ही जाना है, क्योंकि ये ओसिलेटर है तो ओसिलेट होना ही होना है इसको। और दूसरा दोस्तों यहां पर देखिए, ये है हमारा MACD, और अगर आप MACD में देखेंगे तो दोस्तों ये देखिए आई थिंक क्रॉस ओवर मिलने वाला है। ये देखिए ये लाइन जो है ये ऊपर की तरफ घूम रही है और ये सीधी है, तो यहाँ पर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस ओवर मिलने वाला है। और दूसरा जो कन्फर्मेशन है इसमें वो यहाँ से मिलेगा हमें, ये देखिए दोस्तों अगर आप हिस्टोग्राम को देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं दोस्तों वो थोड़े कम बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये बड़े बड़े हिस्टोग्राम थे और यहाँ से ये छोटे 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 बन रहे हैं, अभी का जो हिस्टोग्राम है ये एकदम छोटा बन रहा है, तो कह सकते हैं कि अब हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है ये जीरो वाली लाइन मैंने यहाँ पर डाली हुई है, ये जो पिंक कलर की दिख रही है आपको, इसके ऊपर अगर हिस्टोग्राम बन गए तो तभी बनते हैं जब क्रॉस ओवर मिलेगा दोस्तों, इसके ऊपर हिस्टोग्राम बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से छोटे 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 बनते हैं तो उस तरफ बनने लग जाते हैं, तो इससे ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है इस लाइन को डाला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सपोर्ट तो वही रहेगा हमारा, ठीक है 95 का, और ये जो पिछली वीडियो में थे वही रहेंगे दोस्तों, ऊपर का भी ये रहेगा, और जो है दोस्तों पहला हमारा अभी के लिए जो यहाँ से मार्केट जा सकता है वो 10500 से तक, अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया तो नेक्स्ट हमारा सीधा रहेगा दोस्तों 11000 का, ठीक है 11000। अभी दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि लगभग इस महीने के लास्ट तक जो है दोस्तों, या जनवरी तक फर्स्ट तक कितना प्राइस जा सकता है दोस्तों, उस चीज़ को भी देखेंगे, ठीक है। अभी एक न्यूज़ है उसको दिखाता हूँ मैं, और इसके बाद दोस्तों हमारा 11000 का रहेगा, क्योंकि अभी जो है दोस्तों आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है मार्केट बुलिश होने वाला है। तो दोस्तों एक बार इसमें थोड़ी बहुत और कन्फर्मेशन लेते हैं, DMI को भी डाल लेते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे इंडिकेटर है दोस्तों, इनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप सभी को पता है।
आई थिंक दोस्तों डेफिनेटली मेरे हिसाब से अभी बुलिश होने वाला है दोस्तों मार्केट। यहाँ पर देखिए DMI का क्रॉसओवर मिल चुका है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्रॉसओवर मिलना ही कह सकते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। मैं यहाँ पर एक 20 20 में एक लाइन डाल देता हूँ आप सभी को, ताकि सही से हम देख पाएँ इसको, ठीक है। 20 में लाइन क्यों डालते हैं आप सभी को पता होगा, DMI वाली वीडियो देखी होगी दोस्तों, क्योंकि ADX जो है अभी तक ऊपर है दोस्तों, अभी भी ADX से ऊपर जाने के चांसेस है। अभी ADX वाली लाइन मुड़ी तो नहीं है, तब भी यहाँ पर देखिए दोस्तों DMI में क्रॉसओवर मिल चुका है DMI का, और यहाँ पर देखिए DMI का क्रॉसओवर मिल चुका है, और DI+ वाली लाइन ऊपर की तरफ, DI- वाली लाइन नीचे की तरफ आने वाली है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत वॉल्यूम इंक्रीज हो तो एक और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट डेफिनेटली जो है 11,000 तक जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया होगा दोस्तों, इस चार्ट को मैं थोड़ी देर में जो है मेरे ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे आपको दिखाई पड़ जाएगा, ये चार्ट मैं पब्लिश कर दूंगा, ठीक है इस चार्ट को। अब देखिए दोस्तों दूसरा देखते हैं यहाँ पर बिटकॉइन कैश। बहुत लोग कह रहे हैं कि BCC और BCH क्यों है इसका नाम। देखिए दोस्तों बिट कनेक्ट एक है मार्केट में, आपने देखा होगा, ये क्या था कि पोलोनिक्स बहुत सारे एक्सचेंजर पर जो पहले से था उसका नाम BCC रखा हुआ था, और बिट्रेक्स ने एक दो एक्सचेंजर ने इसका नाम BCC रख दिया और ने इसका नाम BCH रख दिया, क्योंकि उसमें ऑलरेडी BCC नाम से एक करेंसी है तो रख दिया। यहाँ पर अगर आप ऊपर टाइप करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप BCC टाइप करेंगे BCC, तो यहाँ पर देखिए ये एक्सचेंजर मिल जाएंगे, एक बिट्रेक्स है जिसने BCC नाम रखा है, दूसरा दोस्तों यहाँ पर बिटफिनिक्स है, और तीसरा हिट BTC है। तीन एक्सचेंजर है जिन्होंने BCC रखा है, और एक्सचेंजर ने इसका नाम जो है दोस्तों BCH रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, और बहुत सारे एक्सचेंजर है, एपोलोनिक्स ने भी इसका नाम BCH रखा हुआ है, क्योंकि BCC नाम से यहाँ पर ऑलरेडी एक दूसरी करेंसी है तो इन्होंने नाम चेंज कर दिया है दोस्तों उसका, ठीक है। अब देखिए दोस्तों देखते हैं इसी को, ठीक है, इस चार्ट को मैं खोलता हूँ आप सभी को दिखा देता हूँ, मैंने ये कैसे बनाया, किस मोटिव से बनाया वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये चार्ट बनाया था मैंने जब 0.1311 रेट था, ठीक है, ये बिटकॉइन में। बहुत लोगों ने कहा कि डॉलर में मत बनाओ बिटकॉइन में बनाओ, कमेंट किया था मैंने, इसलिए ये चार्ट बनाया दोस्तों। मैंने फिबोनाची लेवल को डाला हुआ है, फिबोनाची को इसलिए डाला है दोस्तों क्योंकि जो ये मार्केट है ये लगभग 0.78 का जो रेशियो है दोस्तों परसेंटेज में, गोल्डन तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि गोल्डन रेशियो मेनली जो है 0.5 और 61 का होता है, लेकिन 78 से ज़्यादातर मार्केट ऊपर उठने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने ये डाला हुआ है। और दोस्तों जो डाउन आने के चांसेस है वो ये है, इससे ज़्यादा डाउन मुझे नहीं लगता कि इसका मार्केट आ सकता था, क्योंकि नहीं अब भी नहीं लग रहा है कि इससे ज़्यादा डाउन आएगा, क्योंकि दोस्तों 0.115 का जो है पिछली बार भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है दोस्तों, बहुत टाइम से जो है दोस्तों इसके नीचे मार्केट नहीं गया है, तो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट रहेगा दोस्तों। और ये मैंने ये सपोर्ट जोन रख दिया था क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पर एक हम एरिया नहीं देख सकते सपोर्ट, और किसी को मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहता दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने कहा था कि अगर इसके अंदर आया प्राइस तो डेफिनेटली फिर से ऊपर जाना ही जाना है, और एक चांसेस है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है प्राइस, क्योंकि दोस्तों देखिए ये जो लाइन है हमारी स्टोकास्टिक वाली, क्योंकि ये ओसिलेट होती है तो बहुत देर से हुई नहीं है, और यहाँ से ज़्यादातर चांसेस थे कि ओसिलेट हो। और दूसरा देखिए दोस्तों हिस्टोग्राम जो है यहाँ पर देखिए छोटे 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 बनने लग गए थे, तो यहाँ पर क्रॉस ओवर भी मिल सकता था, तो इसलिए मैंने ये चार्ट बना दिया था और ये एरो दे दिए थे। अगर अभी की बात करें प्राइस की, मैं यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ और अभी का प्राइस जो है दोस्तों शो हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कैंडल और बनी, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एक कैंडल बुलिश हो गई, अभी का जो रेट है दोस्तों उससे ऊपर ये है, 13-11 पे किया था, 13 लगभग 50 है दोस्तों, ठीक है, लगभग 40-50 हज़ार सतोसी से लगभग बहुत ही अफ है दोस्तों, जब मैंने चार्ट बनाया था उससे लेकर अभी तक। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर बनाया था दोस्तों, ठीक है, लगभग 13,15,000 शायद था दोस्तों रेट, और अभी का जो है पता नहीं दोस्तों कितना कितना है, 0,0, ठीक है, अभी का ऑलमोस्ट ठीक ठाक है दोस्तों, वहाँ से अभी भी चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए दोस्तों, ठीक है। और डाउन आए तो इस सपोर्ट जोन में है दोस्तों, इससे डाउन आने की ज़्यादातर चांसेस नहीं है, इसलिए मैंने चार्ट बना दिया था, ठीक है। अब और आपकी मर्जी दोस्तों, बाइक करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों, इतनी अच्छी वोलेटिलिटी नहीं है, अगर आपके पास है तो उसको होल्ड करके रख सकते हैं। और दोस्तों फाइनली देखते हैं ओके कैश को। ओके कैश का भी ऐसा है दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि चार्ट बनाओ बनाओ, मैंने इसलिए बना दिया दोस्तों, क्योंकि करेंसी के ऊपर अगर एक अच्छा ट्रेंड ना हो तो हम उसके ऊपर ज़्यादातर जो है दोस्तों चार्ट नहीं बना पाते, और टेक्निकल एनालिसिस जो है इतनी परफेक्ट नहीं होती। देखिए दोस्तों इसका रेट लगभग था 3400, ठीक है,
ओके कैश का। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्रॉसओवर मिल गया था, हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ बनने लग गए थे और एक डाउन ट्रेंड था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट ये सपोर्ट था दोस्तों मार्केट, इससे नीचे आने के मुझे कहीं पर भी चांसेस नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने ये चार्ट बना दिया दोस्तों। इससे ज़्यादातर चांसेस थे कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये चार्ट बना दिया था और आप सभी को बता दिया था ये डाउन ट्रेंड वाली लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस करते मार्केट ऊपर जाएगा। और अभी की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अभी का प्राइस देख सकते हैं, ऑलमोस्ट मार्केट दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके ऊपर जा चुका है। अभी जो है 3700 लगभग 70 सतोसी जो है दोस्तों ओके कैश का रेट है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ से ऊपर उठा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक दो कैंडल बने, इससे नीचे नहीं आए मार्केट दोस्तों, इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ से नीचे आए, लेकिन दोस्तों ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, अब चांसेस कम है दोस्तों नीचे आने के। मैंने अभी एमएससीडी को नहीं देखा, आप देख लीजिए एमएससीडी को, ठीक है। यहाँ से डाउन आने के बहुत कम चांसेस है अभी, क्योंकि जो है दोस्तों ये एक सपोर्ट है, ठीक है, हमारे लिए अभी के लिए ये भी सपोर्ट रहेगा दोस्तों। इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो गया तो नेक्स्ट हमारा रहेगा दोस्तों लगभग 4609, ठीक है, लगभग 4500 के, 4500 कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही है दोस्तों अभी का ओके कैश बाय करने के लिए अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, अच्छा जा रहा है अभी मार्केट, और यहाँ पे मुझे लगा था कि ऊपर जाएगा, मैंने इसलिए चार्ट बना दिया था दोस्तों, ठीक है। अब फाइनली बात करते हैं दोस्तों, बिटकॉइन का जो है रेट कितना जा सकता है 2018 के मिड में, बीच में, या 2018 के जो है शुरुआती में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 20,000 जो है कहा हुआ है, ठीक है, ये कल की न्यूज है दोस्तों, 2018 में 20,000 आई थिंक ऑलमोस्ट ठीक ठाक है दोस्तों इनका कहना भी। और मेरे हिसाब से दोस्तों, अब मेरे हिसाब से बताता हूँ कि इस साल के जो ये महीना है दोस्तों, इसमें कितना भी अप डाउन हो, लेकिन 12,000 से 14,000 के बीच में रेट जरूर पहुँचेगा दोस्तों, ठीक है, इसी के बीच में रहेगा। और नेक्स्ट जो है दोस्तों 2018 में हो सकता है एक अच्छा फिर से वो आ जाए दोस्तों, ट्रेंड आ जाए और 20,000 तक चला जाए दोस्तों, ठीक है। हम उम्मीद लगाते हैं कि 2018 के बीच से पहले पहले दोस्तों 20,000 इसका रेट पहुंच जाए, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर डेली जो है दोस्तों वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लोग ज्यादातर डिमांड कर रहे हैं बिटकॉइन की, और जिस चीज की मार्केट में डिमांड होती है उसी का रेट अप जाता है दोस्तों। डाउन तो आएगा आएगा, क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी है, और जब तक इनका रेट अप डाउन नहीं होता तब तक एकदम ऊपर 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 किसी भी चीज की एक हद होती है दोस्तों, वो डाउन आता है फिर से ऊपर जाता है, डाउन आता है फिर से ऊपर जाता है। तो बिटकॉइन का रेट दोस्तों मेरे हिसाब से इस महीने के एंड तक 14,000 के बीच में, 12-14,000 के आसपास, और मिड जो है दोस्तों 2018 में 20,000, ठीक है। आई होप दोस्तों वीडियो सबको समझ में आ गई होगी, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूले। अभी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, बाय।